Hello my dear students, this is Swati Chawla. Welcome to my series of Python programming. In our previous video, we have discussed some questions based on function definition. This video is also an extension to the previous one. In this video also, we are going to discuss some more questions of function definition. If you have not watched those videos, first go and watch those videos because your concepts will get more clear also. I will provide you the link in description also of my previous video. So let's start with next question. Write the definition of a method countNow. Now the name of function is given to you, that is countNow, and the name of list is regions. To find and display names of those regions in which there are less than or equal to 5 characters. कि आपको कुछ regions के name mention है, आपने सिर्फ वो नेम्स डिस्प्ले कराने हैं जिसमें 5 या 5 से कम कैरेक्टर्स हो। क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, अब आई एम ओपनिंग द पाइथन IDLE नाउ। फर्स्ट स्टार्ट विद डेफ कीवर्ड। अब फंक्शन नेम इज काउंट नाउ एंड नेम ऑफ लिस्ट इज रीजंस। आई एम राइटिंग इट हियर। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, टू फाइंड एंड डिस्प्ले, डिस्प्ले भी कराना है, नेम्स ऑफ दोज रीजंस इन विच देयर आर लेस देन और इक्वल टू 5 कैरेक्टर्स। सो अब मुझे एक एक रीजन को आइटरेट करना है, दैट मींस फॉर आई इन रीजंस। इससे क्या होगा, जो आई वेरिएबल है उसमें पहले फर्स्ट वैल्यू आएगी, देन सेकेंड, देन थर्ड, इस तरीके से। अब आई में वैल्यू आ गई इफ। अब आपको पता है कि अगर मुझे क्या करना हो, लेंथ चेक करनी है, कैरेक्टर्स चेक करने हैं, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन होता है, लेंथ। किस पर आपने अप्लाई करना है, आई में आपके नेम ऑफ रीजंस है, लेस देन इक्वल्स टू 5। ये क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है लेस देन और इक्वल टू 5 कैरेक्टर्स। तो ये लेंथ फंक्शन क्या करेगा, एक एक रीजन को पिक करेगा जिसमें 5 या 5 से कम कैरेक्टर्स है। वी हैव टू डिस्प्ले दैट, सो प्रिंट, क्या प्रिंट होएगा यहाँ पर, क्योंकि जो रीजन्स की वैल्यू है वो किस में है, अब आई में। ठीक है, अब मुझे फंक्शन कॉल करना है, आई एम गोइंग टू प्लेस दिस नाउ द लिस्ट ऑफ दिस रीजन्स। ओके, तो आई एम गोइंग टू कॉल द फंक्शन नाउ, दैट इज काउंट नाउ एंड इन ब्रैकेट नेम ऑफ लिस्ट, दैट इज रीजन्स। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। Now see, answer क्या आ रहा है, गोवा एंड दमन। अब इसमें चेक करो, इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं, इसमें 5 से ज्यादा हैं, दमन में 1, 2, 3, 4 एंड 5। हमने कंडीशन क्या दिया, लेस देन और इक्वल्स टू 5। तो जो 5 है ये 5 से कम है, चेन्नई में ज्यादा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड बेंगलोर ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो कंटेनिंग मोर देन 5 कैरेक्टर्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This one is the same which we have done in our previous video. उसमें क्या था, ending with 5, इसमें क्या है, ending with 0. तो in place of 5 क्या आ जाएगा यहाँ पर, 0. Okay? So move to the next question. This type of question also we have covered. That's why I tell you कि we watch the previous videos also, so that you can cover at least questions of each type. Now let's start with this. Write the definition of a function 10 times even. ठीक है, अब function का name क्या given है, 10 times even. तो I'm going to write it here 10, all capitals, only first alphabet capital, 10 times and then even. अब उसके बाद list name is values. To add and display. अब list का name यहाँ लिख देते हैं values. अब मुझे क्या करना है, ऐड करना है। ये चीज बताई थी बेटा, जब भी ऐड करना होगा कोई एक वेरिएबल लेके इनिशियलाइज किससे करोगे, 0 से। ऐड एंड डिस्प्ले, डिस्प्ले कराने के लिए प्रिंट फंक्शन यूज होगा। क्या डिस्प्ले कराना है, सम ऑफ 10 टाइम्स ऑफ इवन वैल्यूज। ठीक है, ध्यान से देखो इसको, टू ऐड एंड डिस्प्ले द सम ऑफ 10 टाइम्स ऑफ इवन वैल्यूज। इसी 3-4 वर्ड्स में आपका कंप्लीट क्वेश्चन है बेटा। एक तो आपको क्या कंडीशन देनी है, इवन वैल्यूज की,
इवन वैल्यूज की कंडीशन क्या होती है, 4 आई इन रेंज फंक्शन यूज करते हैं लेंथ ऑफ वैल्यूज, ठीक है। अब इवन की क्या कंडीशन होगी, इफ अब देखो पोजीशन है कि वैल्यूज है, वैल्यूज जो आपके नंबर्स हैं, तो इफ वैल्यूज ऑफ आई मॉडुलस 2 डबल इक्वल्स टू 0, ये हमने कौन सी कंडीशन लगा दी, इवन वैल्यूज की। अब मुझे क्या करना है, सम करना उसका 10 टाइम्स। अब तक तो मैं क्या करती थी, सम इक्वल्स टू सम प्लस लिस्ट नेम इज वैल्यूज ऑफ आई। अगर डायरेक्ट सम करना है तो डायरेक्ट कर दो, लास्ट क्वेश्चन में क्या था उसको ट्वाइस डबल करके ऐड करना था तो हमने 2 कर दिया था, बट इस टाइम क्या है 10 टाइम्स, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी 10 से। क्लियर हो गया। अब उसके बाद मुझे इसको क्या कराना है, डिस्प्ले, तो आई एम गोइंग टू राइट इट हियर प्रिंट सम। नाउ फंक्शन कॉल करेंगे, वैल्यूज लिस्ट में यही ले लेते हैं, इससे क्या होगा आपका आंसर भी साथ साथ टैली हो जाएगा। After that, I have to call the function 10 times even the name of a list. अब इसमें देखो even values कौन कौन सी है, 2, इसको 10 से multiply करेंगे तो 10 to the 20, एक value क्या आ गई मेरी 20। उसके बाद ये भी even नहीं है, this is your even number 6, 6 into 10, 60, फिर plus, this is your even number 4, 4 into 10, 40। तो जब आप इन सबको ऐड करोगे 40 प्लस 60 100, 100 प्लस 20 120, सो लेट्स चेक द आंसर 120, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले इवन नंबर की कंडीशन चेक करनी है, जब भी सम करना हो 0 से डिवाइड करोगे, सॉरी 0 से इनिशियलाइज करोगे, और फिर उसको क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, और 10 टाइम्स था तो मल्टीप्लाई विद 10, ठीक है। बेटा वन मोर थिंग, अगर एग्जाम में वैसे तो क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, इतनी प्रैक्टिस करो, इन केस कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपको ना आता हो, दिस सजेशन इज स्पेशली फॉर स्लो लर्नर्स जिनके मार्क्स थोड़े कम आते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए बेटा जो आपको ना आता हो, तो आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट स्टार्ट द क्वेश्चन, डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनअटेम्प्ट, कोई क्वेश्चन बिल्कुल ब्लैंक मत छोड़ो। आपको पता है फंक्शन डेफिनेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, डेफ कीवर्ड से, फंक्शन का नेम लिखोगे, लिस्ट का नेम लिखोगे, फॉर लूप, ये चीजें आपको पता है, तो आपकी इसमें जो मार्किंग होती है वो स्टेप वाइज होती है, ठीक है। तो इट्स बेटर टू स्कोर समथिंग देन टू जीरो, ठीक है ना। सो आई वुड सजेस्ट टू एटलीस्ट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इन योर एग्जाम। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन आल्सो वी हैव डन ना कि एंडिंग विद ए, तो माइनस वन इंडेक्स पर क्या आ जाएगा, ए। हमने स्टार्टिंग वाला किया था उसमें इंडेक्स क्या था, जीरो। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ ऐसा करते हैं जो हमने अभी तक किया ही ना हो जिस टाइप का, दिस आल्सो वी हैव कवर्ड, दिस आई थिंक वी हैव नॉट कवर्ड, दिस वन। राइट अ पाइथन फंक्शन स्वैपर, अब फंक्शन का नेम क्या गिवन है, स्वैपर, और लिस्ट नेम क्या है, नंबर्स, टू स्वैप द फर्स्ट हाफ ऑफ द एलिमेंट्स विद द सेकेंड हाफ ऑफ लिस्ट, मीन्स जो आपको लिस्ट गिवन है उसको आपने क्या करना है, पहले उसका जो मिडल फाइंड आउट करोगे, मिडल कैसे करोगे, जो भी आपके लिस्ट की लेंथ होगी उसको डिवाइड कर देंगे हम 2 से, सीधा ऑपरेटर है इंटीजर डिवीजन, इंटीजर डिवीजन मींस आपका जो रिमाइंडर क्वेश्चन आएगा जो भी आप डिवाइड करोगे वो इंटीजर में आए, ठीक है। उसके बाद देखो फंक्शनल डेफिनेशन स्टार्ट करोगे, इसमें इंडेंटेशन देंगे बेटा जस्ट अ सेकेंड, नाउ दिस इज करेक्ट, ओके। सबसे पहले मिडल वैल्यू फाइंड आउट करोगे लेंथ ऑफ नंबर्स और उसको डिवाइड कर दोगे कि जो भी आपकी लिस्ट है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, लेंथ काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो 6 डिवाइड बाय 2 विल बी 3, तो आपकी जो मिडल वैल्यू है वो इस क्वेश्चन के लिए कितनी आ गई बेटा 3, ठीक है। उसके बाद देखो 4 आई इन रेंज, अब मुझे पूरे लिस्ट को लूप लगाने की जरूरत नहीं है, अब अगर मैं मिडल तक का लूप लगाऊंगी, मुझे स्वैप करनी है वैल्यूज, तो मैंने लूप कहाँ तक का लगाया, मिड का, दैट मींस अगर मैं इसका इंडेक्स लिख दूं बेटा 0, 1, 2, 3 इस तरीके से मिड लिखा है ना, तो कहाँ तक चलेगा लूप, 0, 1 और 2 तक।
आपने क्या करना है, इस 35 को स्वैप करना है 23 से। ये आपकी आई वैल्यू वैल्यू होगी और वो कौन सी होगी, आई प्लस मीन्स मिड प्लस वन। ये आपका बीच में मिडल वाला वैल्यू है तो मिड प्लस आई, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, नंबर्स ऑफ आई कोमा मिड आई मिड प्लस आई इक्वल्स टू नंबर्स मिड प्लस आई कोमा नंबर्स आई। इससे क्या होगा, नंबर्स आई में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, मिड प्लस आई की, और मिड प्लस आई में किसकी वैल्यू चली जाएगी, नंबर्स ऑफ आई की, ठीक है। इसको आप एक बार ड्राई रन करके देखना। ये मैं आपका एग्जीक्यूशन, इस क्वेश्चन का एग्जीक्यूशन आई एम लिविंग इट टू यू, ठीक है। आप इसका ड्राई रन करो, एग्जीक्यूट करके देखो। स्टिल इफ यू फाइंड एनी डाउट यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन और राइट इट टू माई मेल आई डी ऑल्सो, ठीक है। ओके, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन नाउ। दिस वन कीप एंडिंग विद ए टू सर्च एंड डिस्प्ले दो स्ट्रिंग्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ नेम्स विच आर एंडिंग विद ए। अब देखो, जो ए से एंड होंगे उसका इंडेक्स क्या होगा, माइनस वन। तो आपको ये नेम्स गिवन है, वन बाय वन आई का लूप लगाओगे नेम्स पर। तो इफ आई ऑफ माइनस वन मीन्स फर्स्ट नेम चेक करेंगे, अगर इसका इंडेक्स माइनस वन तो क्या है ए, तो मुझे इसको क्या कराना है, प्रिंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट नेम पिक करेंगे करीम, इसमें आपका देखो माइनस वन इंडेक्स पर क्या ए है, नहीं, तो कंडीशन विल गेट फॉल्स, तो दिस विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड, ये नहीं प्रिंट होगा। फिर नेक्स्ट चेक करेंगे तरुणा, फिर ये प्रिंट होगा, ठीक है। सो फॉर दिस वीडियो, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फंक्शंस का जो है कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपकी काफी वीडियोस बनाई है मैंने, फॉर इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, एरर फाइंडिंग क्वेश्चंस, आउटपुट फाइंडिंग क्वेश्चंस, फंक्शन डेफिनेशन क्वेश्चंस। सो आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो आई विल प्रोवाइड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन आल्सो फॉर ऑल माय वीडियोस, सो गो एंड वॉच ऑल दोस वीडियोस। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट और यू वांट टू आस्क एनीथिंग एंड यू वांट दिस फाइल आल्सो फॉर योर प्रैक्टिस, यू कैन राइट इट टू माय मेल आईडी आल्सो और यू कैन राइट इट इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। कमेंट्स में लिखकर बताइएगा जरूर आपको वीडियो कैसी लगी, समझ में आया नहीं समझ में आया। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।